चलिए अब अगली दर्शक है नीता हमारे साथ। नीता गायकवाड़ नागपुर से हैं। नमस्कार नीता, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बताइए क्या सवाल है एक्सपर्ट से। नीता जी आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? नीता गायकवाड़ जी क्या अब तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए उनका सवाल ईमेल के जरिए ले रहे हैं। ये कुछ इन्होंने मेंशन किया है, अपने हस्बैंड के साथ कुछ लोन लेना चाह रही हैं जॉइंटली, लेकिन खास बात यह है कि प्लॉट लेंगे उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं। जो बजट है करीब 20 से 25 लाख का होगा, यानी कि जो 20 लाख की एक लिमिट रहती है उससे 20 लाख से कम के जो लोन्स होते हैं खासकर के होम लोन्स की अगर हम बात करें तो बलवंत साहब उसमें करीब 90% तक लोन मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर ज्वाइंटली ये लेना चाह रहे हैं। हस्बैंड वाइफ की जो टोटल सैलरी है दैट इज अराउंड 9 लाख, तो ऐसे में कितने लोन के लिए एप्लीकेबल होंगे, कितने लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? एंड मोर इम्पोर्टेंटली क्योंकि ये प्लॉट के लिए लोन की बात कर रही हैं, क्या सभी बैंक्स से आसानी से मिल पाएगा या कुछ लिमिटेड चॉइस इनके सामने है? देखिए पल्लवी, आपके प्रश्न के दो भाग है। पहला भाग तो है कि उनको कितनी लोन मिल जाएगी। तो जैसे 9 लाख की इनकम है तो बैंक्स नॉर्मली है वो जो आपकी जो सालाना इनकम है उसका 4-4.5 गुना तक का लोन देते हैं, तो आपको 36 से 40 लाख के बीच में 9 लाख के बेसिस पे मिल सकता है। बैंक ये जो फिगर अराइव करने के पहले ये प्रज्यूम करते हैं कि आप आपकी जो मंथली इनकम है उसका 40 से 45% आप ईएमआई को सर्व करने में यूज कर सकते हैं। परंतु ये तो हो गया आपका प्योर मॉनेटरी वैल्यू आपकी लोन का आपकी इनकम के हिसाब से। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, प्रॉपर्टी की वैल्यू भी मैक्सिमम 80% तक लोन मिलता है, और अगर आपका लोन का अमाउंट 20 लाख या 20 लाख से कम है तो 90% तक मिलेगा। इसके अलावा जो होम लोन में जो स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन का जो आप पेमेंट करते हैं उस पर आरबीआई के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कुछ भी फंडिंग नहीं हो पाएगा। जो दूसरा प्रश्न है कि इनको जो प्लॉट पे जो कंस्ट्रक्शन का लोन लेना है, तो मेरा सुझाव रहेगा कि वो बैंक को अप्रोच करे और कंपोजिट लोन के लिए एप्लीकेशन करे। उसके लिए आपको आपके खुद के केवाईसी के डॉक्यूमेंट, इनकम डॉक्यूमेंट वगैरह देने पड़ेंगे। इसके अलावा जो आपका प्लॉट है प्लॉट की भी ओनरशिप के पेपर वगैरह देने पड़ेंगे। तो आपको जो दोनों उसमें जो कंपोजिट लोन मिलता है उसमें आपका जो प्लॉट की कॉस्ट है और आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो दोनों कंसिडर की जाती है। और इसमें जो आपको जब बैंक कुछ भी पैसा डिसबर्स करेगी उसके पहले आपको अपना जो पूरा शेयर है वो पूरा डाल देना पड़ेगा। और जो जब आपको लोन अवेल करना है तो आपका जो कंस्ट्रक्शन की क्या कॉस्ट होगी उसका एस्टिमेट वगैरह सबमिट करना पड़ेगा। और जैसे जैसे आपका कंस्ट्रक्शन की स्टेज पूरी होती जाएगी आपको बैंक को प्रूफ वगैरह सबमिट करना पड़ेगा इंजीनियर वगैरह से, या बैंक अपना रिप्रेजेंटेटिव डेप्यूट कर सकती है। और जिस जैसे जैसे स्टेज पे आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा वैसे वैसे बैंक आपको पैसा डिसबर्स करती जाएगी। जैसे पल्लवी आपने पूछा कि सब बैंक देती है क्या, तो मेरे हिसाब से सब बैंक अपना ये कंस्ट्रक्शन लोन देने में इतनी कंफर्टेबल नहीं है, पर मेरे हिसाब से जो लीडिंग लेंडर्स है आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड है वहां पे अप्रोच करें तो आपको ये कंपोजिट लोन मिल जाएगा। चलिए तो नीता आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी में एक बार आप बात करके देखें, और साथ ही जहां पर आपका सेविंग्स अकाउंट है यानी जहां पर ऑलरेडी बैंक से आपका रिलेशनशिप है वहां पर अप्लाई करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा, ज्यादा आसानी होगी। और एक बात और जो खास आपको ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन लिंक्ड लोन होगा इसलिए आपको एक एस्टिमेशन पहले ही बैंक को देना होगा कि आप कितने समय में इस कंस्ट्रक्शन को पूरा करेंगे, और जैसे जैसे आपका कंस्ट्रक्शन पूरा होगा जैसे हमारे एक्सपर्ट ने बताया आपको लोन की रकम डिस्पर्स होती जाएगी। एक और सवाल ले रहे हैं यहां पर।